एमपी, आइए शुरुआत करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के साथ। जनजाति कार्य विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 22 फरवरी से खुलेंगे, आश्रम और छात्रावास खुलने को भी मिली मंजूरी। संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा में हुई कटौती, अब 65 साल के बजाय 62 साल में होंगे रिटायर्ड। किसानों के लिए शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला, यूरिया की कमी से मिलेगी निजात, अब पहले से ही एडवांस बुकिंग करा सकेंगे किसान। इंदौर शहर में फिर बढ़ रहा है कोरोना, बीते 24 घंटों में 126 नए कोरोना मरीज निकलकर सामने आए, महाराष्ट्र के 2 जिलों में भी लग चुका है लॉकडाउन। भारतीय यूनियन किसान के प्रदेशाध्यक्ष ने पुलिस पर लगाया आरोप, कहा रेल रोको आंदोलन में शामिल हुए बिना ही घर से बेवजह किया गिरफ्तार। इंदौर के प्रतिभाशाली रजत पाटीदार और वेंकटेश का आईपीएल में हुआ चयन, अब एक कलकत्ता नाइट राइडर्स तो दूसरा रॉयल चैलेंजर्स में खेलेगा। ग्वालियर में बिरला नगर पुल में जनरल स्टोर पर हुई चोरी, संदिग्ध को पकड़ने पर पिता पुत्र के साथ ही हुई मारपीट। कृषि मंत्री ने अवैध रेत उत्खनन के मामले में नरसिंहपुर के कलेक्टर पर लगाया आरोप, कमिश्नर को पत्र लिख कहा कलेक्टर नहीं कर रहे कार्रवाई। यात्री वाहन जांच के दौरान दतिया में जिला परिवहन अधिकारी ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई, टैक्स बकाया टैक्स नहीं चुकाने पर वसूला जुर्माना। नगरी निकाय चुनाव के जरिए अब ओवैसी की पार्टी मध्य प्रदेश में करेगी एंट्री, चुनाव कोऑर्डिनेटर ने कहा 25 जिलों में चुनाव लड़ने की जा रही है तैयारी। इसी तरह दिन भर की हर खबर के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ एमपी।